हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं NHPC के शेयर पे। फ्रेंड्स, स्टॉक में कल आपको गैप डाउन के बाद एक अच्छी रिकवरी यहाँ पे देखने को मिली थी और अब कैसा मूवमेंट आपको देखने को मिलने वाला है और भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं इस स्टॉक के बारे में जो हम पूरी डिटेल से जानेंगे। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लो ताकि जब भी मैं जो वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि इसमें गैप डाउन ओपनिंग क्यों हुई थी। आप सभी को पता है कि युद्ध की वजह से मार्केट का सेंटिमेंट बिगड़ा हुआ था। जो हमारी निफ्टी थी, बैंक निफ्टी थी, सेंसेक्स था, काफ़ी गैप डाउन ओपनिंग हुई थी उनकी और फिर उसमें थोड़ी सी रिकवरी के बाद फिर से आपको गिरावट देखने को मिली थी। सेम ऐसा ही मोमेंट इसमें भी हमें देखने को मिला है। अगर पूरी मार्केट यहाँ पे मार्केट में गिरावट दिखती है तो जो स्टॉक होते हैं उनमें भी आपको एक पैनिक सेलिंग देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे एक पैनिक सेलिंग आपको देखने को मिली थी जिसकी वजह से ये गैप डाउन ओपन हुआ था और फिर थोड़ी बहुत रिकवरी भी इसने दिखाई थी। अब बात करते हैं इस स्टॉक के बारे में। इसके जो फंडामेंटल हैं वो सही हैं और इनकी जो बोर्ड की मीटिंग हुई थी वो 27 मार्च को हुई थी। उसमें इन्होंने बताया था कि ये अपनी डेथ को लेके कुछ सोच रहे हैं या कुछ मतलब रिड्यूस करने की सोच रहे हैं, तो उसके बारे में हुई थी। लेकिन अभी कोई ऐसी मीटिंग नहीं हुई है जिसमें इनके क्वार्टरली रिजल्ट के अपडेट हमें देखने को मिले, क्योंकि क्वार्टरली रिजल्ट आने वाले हैं सभी कंपनीज़ के, जो कि आप काफ़ी इम्पोर्टेंट कह सकते हो। जैसे ही अपडेट आएगी इनके क्वार्टरली रिजल्ट की तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, तो आप चैनल पे बने रहिए। यहाँ पे अब हम जानते हैं कि इसके क्या स्पोर्ट और क्या टारगेट रहने वाले हैं। सबसे पहले जो हमारा स्पोर्ट है यहाँ पे 81 का यहाँ पे रह सकता है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो है काफ़ी टाइम तक यहाँ पे रहा था, तो चांस है कि यहाँ से रिकवरी दिखाए। नहीं तो अगर ये इसी जोन में हायर, मतलब हायर हाई तो नहीं, यहाँ पे साइड वे आप कह सकते हो, साइड वे में चला हुआ तो ये लेवल यहाँ पे आता हुआ नज़र आ सकता है जो कि 77 का, ठीक है। उसके बाद यहाँ से ये एक मूवमेंट आपको मिल जाएगा। अगर आप फ्रेश बाइंग करना चाहते हो तो यहाँ पे आप थोड़ी बहुत क्वांटिटी अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो जो कि है 77 के प्राइस पे। अगर यहाँ से रिकवरी दिखाता है तो आपको ये 98 तक का टारगेट मिल जाएगा जो कि एक ठीक ठाक शॉर्ट टर्म में आपको टारगेट मिल जाएगा। ध्यान रखना कम क्वांटिटी आपको ऐड करनी है। अगर रिजल्ट ख़राब आए और इसका ब्रेकडाउन हो गया तो फिर ये स्टॉक काफ़ी नीचे जाता हुआ आपको नज़र आ सकता है। तो वैसे तो देखो प्रमोटर की होल्डिंग भी काफ़ी अच्छी है, जबकि 70% की है। इसमें DIFI सभी ने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, तो टेंशन की बात नहीं है, अच्छा स्टॉक है, नज़र बना के रख सकते हो। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ इस वीडियो का मोटिव ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज़ है।